नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इजराइल में लगातार पांचवी बार सूखे का खतरा मंडरा रहा है। सी ऑफ गैलीली में पानी का स्तर नीचे चला गया है। जॉर्डन नदी में भी फ्लो कम हो गया है और डेड सी लगातार सिकुड़ता जा रहा है। यहाँ की रिलीजियस जगहों पर नदियों से जो पानी पहुँच रहा था वो भी सूख गया है। फोटोग्राफर ऑडेड बेलिटी ने पिछला पूरा साल इजराइल में गुजारा और यहाँ के सूखे के हालात को अपने कैमरे में कैद किया। ऑडेड कहते हैं कि सी ऑफ गैलीली सदी में पहली बार इतने निचले स्तर पर पहुंचा है। इसी तरह जॉर्डन नदी और डेड सी भी सिकुड़ता जा रहा है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली इकोपीस में इजराइल के डायरेक्टर गिडोन ब्रोमबर्ग ने कहा कि एलेनबाय ब्रिज पर अगर पलक भी झपकाई तो आप जॉर्डन नदी नहीं देख पाएंगे। बता दें, एलेनबाय ब्रिज जॉर्डन और वेस्ट बैंक को आपस में जोड़ता है। जॉर्डन नदी इसके नीचे से होकर गुजरती है। नदी और समुद्र का इस तरह जल स्तर घटने के पीछे क्लाइमेट चेंज से लेकर बढ़ती आबादी और खेती में पानी के बढ़ते इस्तेमाल को माना जा रहा है। जॉर्डन नदी अब तक से सबसे बदतर हाल में है। नदी का करीब 95% फ्लो 1960 में एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। इस नदी से हर साल 55 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जॉर्डन को खेती के लिए दिया जाता है। 1994 में हुई पीस ट्रीटी के तहत ये पानी दिया जाता है। अब हालात ये हैं कि नदी का फ्लो हर साल 30 मिलियन क्यूबिक मीटर कम हो रहा है। ब्रोमबर्ग का कहना है कि इस हालात के लिए इजराइल, जॉर्डन और फलस्तीन तीनों जिम्मेदार हैं।